नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 सितंबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। राजस्थान में अब शहरों की तर्ज पर ग्रामीण इलाकों में भी राजस्व विभाग की आवंटन की जा सकने वाली जमीन का लैंड बैंक बनेगा। राजस्व विभाग इसके लिए जल्द ही काम शुरू करेगा। राजस्व विभाग का लैंड बैंक बनाने से सोलर, विंड सहित अन्य ऐसे उद्योगों को जमीन आवंटन में आसानी होगी जिन्हें बड़ी जमीन चाहिए। सीएम गहलोत ने राजस्व विभाग के अधीन आवंटन योग्य सरकारी भूमि को लैंड बैंक बनाने के निर्देश दिए ताकि राज्य स्तर पर आवंटन के लिए भूमि उपलब्ध हो सके। सीएम गहलोत ने पटवारी भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए ताकि राजस्व से संबंधित कार्य समय पर पूरा हो सके। जयपुर के गलता गेट इलाके में विषाक्त पदार्थ का सेवन करने से एक युवती की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि मृतका 24 वर्षीय अनुपा भाटी मूलतः मलारना डूंगर सवाईमाधोपुर हाल चंद्रशेखर आजाद कॉलोनी बास बदनपुरा गलता गेट की रहने वाली थी। उसने अपने घर पर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। तबीयत खराब होने पर परिजनों ने उसे तुरंत SMS अस्पताल में भर्ती करवाया जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पूर्व मुख्य सचिव और 1983 बैच के IAS अधिकारी DB गुप्ता आज रिटायर नहीं होंगे। गुप्ता CM सलाहकार पद पर हैं। आज DB गुप्ता का रिटायरमेंट होना था लेकिन अब उनका कार्यालय बढ़ाया गया है। अब 2021 में सेवानिवृत्त होंगे। सियासी उठापटक से पहले गुप्ता को मुख्य सचिव के पद से हटाकर CM के सलाहकार पद पर लगाया था। 10 अधिकारियों का रिटायरमेंट आज है जिसमें एक IAS, 3 IFS, 1 IPS और 5 RAS अधिकारी शामिल हैं। 3 महीने पहले मुख्य सचिव पद से हटाए गए गुप्ता भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों में CM के पसंद रहे थे। अलवर जिले के बहरोड कस्बे में दिल्ली जयपुर हाईवे पर आज बुधवार को सुबह 5 बजे जयपुर की ओर से जा रही कैंट्रा गाड़ी में आग लग गई जिसके बाद चालक ने आनन फानन में गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। आग की सूचना लगते ही निमराना दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। हाईवे पेट्रोलिंग कर्मचारी रामफल ने बताया कि निमराना के पास मोहलिया फ्लाई ओवर पर पहुंचने के बाद अचानक से कैंट्रा गाड़ी के कैबिन में आग लग गई जिसके बाद उसने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। बांसवाड़ा में एक ठग द्वारा खुद को बांसवाड़ा कोतवाल बताकर शहर के 2 व्यक्तियों से 5 लाख रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि कॉलर ने पहले जिस नंबर से कॉल किया वह कोतवाल भैयालाल आंजना का था जिससे दोनों ही व्यक्ति झांसे में आए, लेकिन बाद में अन्य कॉल से व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए झांसे में लिया। पीड़ित ने एक व्यक्ति से 2 लाख और दूसरे से 3 लाख रुपए जोधपुर के लक्ष्मण बिश्नोई नाम के व्यक्ति को दिलवाए। इसका पता दोनों व्यक्तियों को तब चला जब सुबह उन्होंने कोतवाल को कॉल किया। पुलिस ने दोनों की शिकायत पर नामजद केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जयपुर में इंस्टाग्राम पर एक युवती की फर्जी आईडी बनाकर अश्लील फोटो पोस्ट करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जवाहर सर्किल थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि दुर्गा माता कॉलोनी जवाहर सर्किल निवासी एक युवक ने मामला दर्ज करवाया है कि उसकी बहन की इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाएगी। 25 सितंबर को बनाएगी आईडी पर बहन की फोटो को अश्लील तरीके से एडिट कर पोस्ट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसा कर बहन की सामाजिक व पारिवारिक छवि को खराब कर रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जोधपुर के प्रतापनगर थाना इलाके के जगदम्बा कॉलोनी में रहने वाले 35 वर्षीय सूरज पालीवाल ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। इसके पहले सुबह घर के सामने रहने वाले पड़ोसी से कहा सुनी हुई थी। पड़ोसी ने उसको पहले पत्थर से मारा, फिर लोहे के सरिये से घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। इसके 2 घंटे बाद ही उसने फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। थानाधिकारी अमित सिहाग ने बताया कि जगदम्बा कॉलोनी में रहने वाले 35 साल के सूरज पुत्र उद्दाराम पालीवाल ने मंगलवार सुबह घर के सामने रहने वाले व्यक्ति से कहा सुनी वे मारपीट से आहत होकर फंदा लगा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। कार्डियोलॉजी विभाग में लगभग 3 सालों में करीब 1,82,00,000 रुपए की अनियमितताएं सामने आई हैं। बता दें कि पूर्व जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश टंडन ने अनियमितताओं का आरोप लगाया है जिसमें हृदय रोग विभाग का बीमा योजना में करोड़ों रुपये का घोटाला सामने आया है। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे में सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई। भोपालगढ़ SHO राजेंद्र खदाव ने बताया कि हादसे में गौरधन राम, गणपत राम व संजू की मौत हो गई। तीनों युवकों को शव राजकीय अस्पताल की मोर्ची में रखवाए गए हैं। SHO ने बताया कि इस संबंध में अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।
बाड़मेर जिले के धौरीमन्ना कस्बे में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर पर 5 लोग सवार थे। इस दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे एक की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी गंभीर घायलों को रेफर किया गया है। जयपुर के ज्योति नगर इलाके में बाइक सवार 2 बदमाश छपट्टा मारकर एक व्यक्ति से मोबाइल छीन कर ले गए। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी करवाई, लेकिन बाइक सवार बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने बताया कि मोबाइल स्नैचिंग की वारदात देवरी गोपालपुरा बाईपास रोड निवासी सुल्तान मीना के साथ हुई। वह अपनी बेटी के साथ जा रहा था। इसी दौरान वित्त भवन के सामने से जाते समय बाइक सवार 2 बदमाश पीछे से आए, जिन्होंने झपट्टा मारकर उसका मोबाइल फोन छीन लिया। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगालने के साथ बाइक सवार मोबाइल स्नैचरों की तलाश कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।